हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे गाइस। चेक करते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, कौन है वो पर्सन जो कि आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं बहुत जल्द, कौन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्या आप उस पर्सन को जानते हो, क्या वो आपके एक्स हैं या कोई नए पर्सन हैं। चलिए देखते हैं एक्स या नेक्स्ट कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, जिनसे बहुत जल्द आप मिलने वाले हो, आपकी लाइफ में आने वाला है, कौन है वो पर्सन, क्वालिटीज क्या है उनके। चलिए देखते हैं गाइस, एक कलेक्टिव टाइम इज जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट करें तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पर्सनल रीडिंग बाय करना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। कौन है वो पर्सन जो कि आपकी लाइफ में आने वाले हैं बहुत जल्द, कौन आ रहे हैं आपकी ओर। चैरियट स्टार, आप देख सकते हो दोनों ही कार्ड मेजर आर्काना का है और यहाँ पर आया है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसेस। ओके, तो गाइस जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं ये आपके डेस्टाइंड पार्टनर हैं, ये डेस्टिनी इनको आपकी ओर सेंड कर रहे हैं, यूनिवर्स गॉड इनको आपकी ओर सेंड कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आप एक बेहतर पर्सन, एक ऐसे पर्सन जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, जो कि आपको एक बर्डन की तरह ना लें। ओके, जो जो आपकी इनोसेंट है, जो आपकी मासूमियत है, जो आपकी गुड क्वालिटीज देख सके, आपकी प्योरिटी देख सकते, आपके माइंड की प्योरिटी देख सके, आप कितने प्योर हार्टेड हो ये देख सके। आप ऐसे पर्सन डिजर्व करते हो जो कि आपको एक ब्यूटीफुल फ्यूचर प्रोवाइड करें। ओके, आपकी हीलिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, आपने ऑलरेडी कर लिया है, आप एक बैलेंस में हो या आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो एक सही पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, सोसाइटी में काफ़ी अच्छा खासा नाम होगा इनका, रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा होगी। ओके, काफ़ी सारे लोग इनसे इंस्पायर होते हैं, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप ऐसे पर्सन डिजर्व करते हो। ओके, और एक बार अगर आप दोनों के बीच नई शुरुआत होगी, बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहने वाला है ये कनेक्शन, काफ़ी ज़्यादा, ये आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं जिनके साथ आपकी नई शुरुआत होगी। गाइस ये पर्सन चीटर नहीं है, ठीक है, वो पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है जो किसी और से शादी कर लिए या करने जा रहे हैं या कोई एक के बाद एक रिलेशनशिप में कनेक्शन में जाते रहते हैं, जिनके लाइफ में बैक टू बैक लड़का या लड़की आते रहते हैं, ये वो पर्सन नहीं है, ठीक है, ये चीटर तो बिल्कुल भी नहीं है, एक ऑनेस्ट पर्सन है ये। और ये पर्सन आपको बर्डन की तरह या इस कनेक्शन को बिल्कुल भी नहीं लेने वाले, एक बर्डन की तरह। ओके, बहुत ज़्यादा प्यार होगा यहाँ पर क्योंकि ये सब कप्स है, स्टार है, चैरियट है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप, एक रोमांटिक कनेक्शन, एक रोमांटिक प्रपोजल आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हो, गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इनका आने का वेट कर रहे हो, प्रपोजल का वेट कर रहे हो, तो मिलेगी आपको। मैंने बताया ये पर्सन एक ऑनेस्ट पर्सन है, अगर ये ऐसे हैं, लॉयल हैं तो ओके, आप दोनों का कनेक्शन ज़रूर ग्रो करेगा। जो आपने काफ़ी दिनों से इनका इंतज़ार किया है, पेशेंस के साथ आपने काम लिया है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है गाइस, एक डिवाइन टाइमिंग आ गया है और डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो अपनी लाइफ में, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी हैं, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा रहता है यहाँ पर ये पर्सन हमेशा आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रखेंगे। ओके, जब आप दोनों के बीच लव स्टार्ट हो जाएगा, रिलेशनशिप कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, डेफिनेटली ये पर्सन हमेशा आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रखेंगे, ये चीटर नहीं है, नहीं कभी चीट करेंगे। ओके, ये नहीं धोखा देने वालों में से हैं,
नहीं धोखा बर्दाश्त करने वालों में से हैं और झूठ तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इनके लाइफ में हुआ है ना, अच्छा हो बुरा हो, ये सारा कुछ आपको बताएंगे और आपसे एक्सपेक्ट भी करेंगे कि आप सही सही इनको बताओ। ओके, आपको किसी तरह का झूठ नहीं बोलना है। ओके, जो भी आपके दिल में है, जो भी आपके माइंड में है, जो भी आप चाहते हो, इनके सामने खोल कर रख देना है। ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे जैसे भी हो आप। ओके, ये पर्सन ये नहीं देखेंगे कि आपका रंग रूप कैसा है, आप हाइट में कैसे हो, ओके, आपका हेल्थ कैसा है। जैसे भी हो आप, ये आपको एक्सेप्ट करेंगे और आपसे बहुत प्यार करेंगे। आपकी अंदर की प्योरिटी देखेंगे, ओके, ऑनेस्टी देखेंगे, लॉयल्टी देखेंगे, ये आपके साथ फ्यूचर देखेंगे। जिस तरह के पर्सन का इनको इंतज़ार था, इनको वेट था, आप बिल्कुल वैसे हो। इनको लगेगा कि आप इनको इनके लाइफ को हील कर सकती हो, एक ब्यूटीफुल फ्यूचर ये पर्सन आपके साथ क्रिएट कर सकते हैं। आप दोनों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, इनको ऐसा फील होगा। ये हो सकता है कि ये पर्सन अपने काम के सिलसिले में आपकी तरफ आए, आपकी ओर आए, तो वर्क वाली जगह पर आप मिल सकते हो। ओके, या ये पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये पर्सन मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो आप ट्रैवल करोगे तो इनसे मीटिंग होगी आपकी, पर बातचीत होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ओके, आप दोनों के बीच, अगर ये बिल्कुल नए पर्सन हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन बिल्कुल नए हैं, न्यू कनेक्शन आ रहा है आपकी ओर, ये पर्सन बिल्कुल नए हैं, और जब ये पर्सन आपको देखेंगे आपकी ओर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। आपकी कुछ बातें इस पर्सन को आपकी ओर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। ओके, आपसे आकर्षित काफ़ी ज़्यादा होंगे। आपको देखकर इनको यही लगेगा कि आपके ही इस पर्सन को तलाश थे और अब इनकी तलाश पूरी हो गई है। ये हो सकता है कि जब आप बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे अपने लाइफ में, बिजी शेड्यूल होगा, जब आपका फोकस अपनी लाइफ पर होगा, क्रिएटिविटी पर होगा, हीलिंग पर होगा, तब आप इस पर्सन को अट्रैक्ट करो अपनी ओर, या तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। 7 नंबर 17 15 1 11 8 18 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। पर नाइन ऑफ पेंटिकल, ओके, काफ़ी सारे लोगों के लिए आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। ये वो पर्सन है जो आपको अपनी लाइफ में अलाउ नहीं कर रहे थे, जो आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे बिल्कुल, अपने हार्ट को ये पर्सन क्लोज्ड करके बैठे हुए थे, या तो आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे थे। ओके, और अब आने देना नहीं चाहते, ये पर्सन एक्स हो सकते हैं आपके, और आप बिल्कुल भी इस पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं आने देना चाहते, पर ये पर्सन आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस एनर्जी में हो, क्या चाहते हो। ये काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं, क्यूरियस है आपकी लाइफ को जानने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए कि आपकी क्या एनर्जी है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। और ये नए पर्सन है फिर भी आपके बारे में काफ़ी कुछ जानेंगे। ओके, अंडरस्टैंड करेंगे, आपको दूर से ही देखेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, तब जाकर ये पर्सन आपकी ओर आएंगे, या ये पर्सन ऑलरेडी ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ओके, और जब इनको लगेगा कि आना चाहिए या प्रपोज करना चाहिए, अपनी फीलिंग सब बताना चाहिए, तभी करेंगे। यहाँ पर कुछ ही लोगों के लिए आपके पास्ट पर्सन आ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए, 80% लोगों के लिए कोई नए पर्सन है। ओके, अगर आप चीटर के लिए रीडिंग देख रहे हो तो गाइस, ये चीटर नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के लिए ही आपके पास्ट पर्सन आ रहे हैं, पर अगर ये चीटर हैं तो आप इनको बिल्कुल भी अपने लाइफ में अलाउ नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं। ये पर्सन आपके लाइफ में तब आएंगे जब आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, अगर ये चीटर हैं तो। ओके, और उस टाइम इस पर्सन को आप बिल्कुल भी नहीं लेना चाहोगे। कुछ लोग के लिए मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है कि अभी इस वक्त आपका प्यार पर, रिलेशनशिप में, कनेक्शन में, मैरिज में भरोसा उठ चुका है,
और अब आप किसी को भी अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करना चाहते, पर ये तो आकर रहेंगे भले आप कितना भी ज़्यादा कोशिश करो कि पर्सन आपकी लाइफ में ना आए, पर आप में फीलिंग्स डेवलप होगी जब आप एक बार इनको जान लोगे, देख लोगे, तो क्योंकि ये आपके डिस्टेंट पार्टनर हैं, ये आपकी लाइफ में आकर रहेंगे चाहे आपकी मर्जी हो ना हो, क्योंकि शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी अलाउ नहीं करोगे कुछ लोग ले, पर ये आकर रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है, इंडिपेंडेंट है, किसी अच्छे पोस्ट में है, लीडरशिप क्वालिटी है इनमें, और आप भी इंडिपेंडेंट हो, और आपकी ये चीज़ उस पर्सन को अट्रैक्ट करेगी आपकी ओर। तो ये है आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय गाइस।